उठाइए स्टैंड से। अरे भाई ए बाबा, इन सबके लाइफ में ना गाइस एक पीरियड ऑफ टाइम आता है जिसके बाद आपको सबसे प्यारी चीज को भी ना आपको सैक्रिफाई करना पड़ता है। ए, मार लो। इन फ्यूचर गाइस अगर मैं इस बाइक को नहीं रख पाया ना अपने पास, तो प्लीज गाइस आप लोग मेरा सपोर्ट करना। एंड मेरे को इतना ज्यादा पहचान दिया लोगों में, इतना ज्यादा प्यार दिया लोगों में, तो बाइक चाहे कितना भी अच्छा हो जाए यार, ये मजा, ये थ्रिल, ये कभी नहीं देखने मिलेगा। ये पुलिस पुलिस यहाँ पे क्या भाई, 18.5 लाख से 19 लाख में मेरे को टेनर आ रहा है, 26 लाख रुपया लग रहा है BMW का। मैं इन दो, मुझे पता आप लोग सब ना इन फ्यूचर में एक सुपर बाइक खरीदना चाहते हो, ऐसा कुछ बाइक सब, तो हम लोग जैसे गरीब आदमी लोग कैसे गाड़ी खरीदेंगे ये आप सोचिए। खाली कैश में कुछ थोड़ी है, हम लोग पास ब्लैक मनी है। दूसरों का सपना पूरा होते देखना यार, खुद खुश होने से ना ऊपर वाला भी देखता है, उन लोगों का भी सपना को पूरा करता है। बस मेरा तो यही मानना है। सच बोलूं भाई, औकात भी नहीं था कि एक सुपर बाइक ओन कर सकूं, लेकिन आप लोग ने इतना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया था ना, जो कि मैं मतलब जिसका मैं अभी भी थैंकफुल हूं आप लोग सबसे। बुलेट के बाद मैंने सुपर बाइक किस्मत को जो है ना अपना एक किस्मत डेटोना 675 को मैंने ओन किया था। आज भी गाइस देखो 1.5 साल बाद मैं इस गाड़ी को कितना ज्यादा मेंटेन करके रखता हूँ, मतलब मैं दिल से, हम लोग बहुत प्यार करते हैं इस गाड़ी को भी। देखो ये अभी ना भाई कोलकाता में एक ऐसा हो गया, आप लोग सबकी वजह से, कि जब भी मैं इस बाइक को जहाँ भी लेके जाता हूँ ना यार, इस बाइक से लोग मेरे को पहचानते हैं, और ये मतलब बहुत प्राउड फील होता है मेरे को कि ये बाइक मेरे को इतना ज़्यादा पहचान दिया लोगों में, इतना ज़्यादा प्यार दिया लोगों में। तो जो भी हो, लेकिन सबके लाइफ में ना गाइस एक पीरियड ऑफ टाइम आता है जिसके बाद आपको सबसे प्यारी चीज़ को भी ना आपको सैक्रिफाई करना पड़ता है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ ऑब्स्टिकल्स के लिए, क्योंकि गाइस हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड भाई हम लोग के लाइफ में ना यार अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स को हम लोग संभाल लेते हैं। अगर आप लाइफ में बहुत डाउन होने लगते हो ना फाइनेंशियली, तो आप उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा फील हो रहा था ना गाइस कि जैसे मैं ये गाड़ी खरीदा हूँ, खुश आप लोग हो रहे हो, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैं सिर्फ यूट्यूब में ही देखता हूँ कि अगर कोई सामने वाला तरक्की कर रहा है ना, तो यार यूट्यूब के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यूट्यूब के जो लोग हैं ना, जो लोग वीडियोज़ देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब इवन मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा वो लोग खुश है, क्योंकि बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है लाइफ में। सक्सेसफुल इंसान लोग का ये पहचान होता है कि वो दूसरों का तरक्की देख के हमेशा खुश होते हैं। इन फ्यूचर गाइस अगर मैं इस बाइक को नहीं रख पाया ना अपने पास, तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरा सपोर्ट करना। एंड ये नहीं कि यार बाइक चला गया या बाइक मेरे लाइफ से चला गया तो आप लोग भी मेरे को प्यार करना, वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि मैंने अपना जर्नी इस बाइक से शुरू किया था, एंड अभी फिलहाल है ये वाला बाइक मेरे पास, तो सब आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही है। तो बस आप लोगों को यही बोलना था, ये गाड़ी ना मेरे को बहुत सारा मेमोरीज दी है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ाई है मेरे को, एक सर्टेन लेवल से उठा के मेरे को बहुत ऊंचा तक पहुंचाया है, मेरे को ऐसा फील होता है। दूसरों का सपना पूरा होते देखना यार, खुद खुश होने से ना ऊपर वाला भी देखता है, एंड उन लोगों का भी सपना को पूरा करता है। बस मेरा तो यही मानना, और मन भर के थोड़ा चला लेते हैं कुछ दिन तक, शायद फिर रहे ना या ना रहे। अभी आपका ट्रेनिंग शुरू, देखते कैसे सीखे हो। अरे स्टैंड से ही उठा नहीं पा रहे हो, उठाइए स्टैंड से। अरे भाई ए आपका गाड़ी चलाना सिखा रहे ना, गिरना सिखा रहे ए भाई। अरे इसको झटका से आप मत उठाइए, मतलब हल्का करके स्मूथली उठाइए। अधे रुपए मैं अभी सीधा कर आराम से उठाएगा ना एकदम। समझ में आ गया ना, क्लच गियर ब्रेक एक्चुअली बैलेंस आउट हो गया, क्योंकि मैं मतलब 20 दिन से ऊपर हो गया, मैं जिम भी नहीं गया। जिम से नहीं, ये थोड़ा हार्ट है ना। हाँ वही बात, ये तो बहुत पहले चला थी जब स्कूल में पढ़ती थी, अभी तो छोड़ दी, इतने सालों में तो स्कूटी का बैलेंस ही मेरा आउट है। हैंड उठा लिए। ए ए आप फिर से मत गिरा दीजिएगा। ए भाई डाले, आप क्या कर रही हो, स्टैंड उठाने में गाड़ी गिरा। रुकिए अब मैं स्टैंड भी उठा के देता हूँ, पहले आप उठ जाओ एक बार, मैं से पकड़ा हूँ। गाइस देखो यार, स्टैंड उठाने में गाड़ी गिरा से
पहले आप स्टैंड उठा लो, उसके बाद आप उठ। अभी मैं वहां जाता हूँ, आप यहाँ से चला के आओ, ठीक है? बस ये तो सीख गए। फुल फुल वेरी गुड। चलिए सीधा जाती हूँ। हाँ थोड़ा एक्सीलरेशन दो। वेरी गुड वेरी गुड। यार चला रहे हो यार, अरे भाई हेवी ड्राइवर हो। राइडर जो होता है ना भाई, उन लोगों का थोड़ा गाड़ी वाड़ी गिरता बिरता है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने ना भाई काऊ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। ओ माय गॉड, अरे अरे सामने से काऊ आ रही है, कुछ नहीं होगा। आपके सामने आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो कि आप समझो अब। वो आएगा मारेगा आपको। अरे अरे भाई अरे तू चल ये भाई फिर से गाड़ी गिरा देगा। अरे ये गाड़ी गाय कुछ नहीं करेगा आपको। बहुत डर लगता है भाई, वो ऑक्स से डर लगता है। ये ऐसे आ रहा है लेकिन ये कुछ नहीं करेगा। ये गाय से डर नहीं लग रहा है। हाय गाइस, हैप्पी संडे। मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, देखो सीट नहीं हूँ एक्चुअली, दो बार गाड़ी ऑलरेडी गिरा चुकी हूँ, देखो। A few moments later। हाँ? रुको रुको, क्या हो गया? पता नहीं, देखो तो क्या क्या आ रहा है। ये बाबा कैसे हुआ ये? पता नहीं कुछ है, मैं कुछ लेके नहीं आई। निकला भाई, टिश्यू पेपर है मेरे पास, रुके दो। ये लो, नाक से क्यों ब्लड आ रहा है? नहीं पता, सुबह सुबह निकल गई ना, हो सकता है। कोई बात नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। वो गाड़ी इतना भारी है ना, दो तीन बार ऐसे गिर गिर गया ना, उठाने के चक्कर में होता है बहुत बड़ा। हेवी लिफ्ट करते हो ना तो ऐसा ब्लीडिंग होता है कभी भी नाक से। कोई बात नहीं। सो यहाँ पे अभी ना हमारे प्रायोरिटी में चार बाइक्स इंडियन मार्केट में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक है BMW S1000 RR, दूसरा बाइक है आपका ZX10 RR, दोनों ने नया नया मॉडल लॉन्च किया है, BMW ने भी है ये भी। थर्ड मैं बोल रहा हूँ Ducati V4, और फोर्थ पे आता है सुजुकी हायाबुसा। ये चार गाड़ी है ना भाई, ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। भाई Stenar का प्राइस 18-18.5 लाख रुपया रहता है नया का, हायाबुसा का दाम 18-18.5 लाख रुपया नया का। ये BMW की तरफ जाओगे ना तो प्राइस आपका वहाँ पे 26-27 लाख रुपया तक पड़ जाता है नया दाम। एक्सेसरीज एग्जॉस्ट वगैरह आप लोग सोच लो एक्स्ट्रा 2 लाख, मतलब 29-30 लाख रुपया BMW का। तो BM लेके घूमना मतलब ना भाई तबाही तो है ही साथ में बहुत, और ऊपर से इतना ज्यादा BM का हाई मेंटेनेंस। अरे 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 भाई प्लीज, मुझे भाई रोहित भाई ने फोन किया था कल कि थोड़ा आप आओ शोरूम विजिट करो, Ducati का शोरूम। तो भाई Ducati का बाइक आप लोगों को पता है कितना ज्यादा सेक्सी लगता है, सुंदर लगता है देखने में। रोहित भैया को यहाँ पे बुलाए, थोड़ा सा बताइए गाड़ी के बारे में। आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे ना V4 के बारे में। नया फेयरिंग एड हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सस्पेंशन, रेस ए रेस बी करके भी आता है। Okay. जो कि फुल्ली ट्रैक ओरिएंटेड, मतलब ट्रैक ओरिएंटेड है, का रेसिंग ग्रिप लगा हुआ है। तो देख सकते भाई क्या ही पूरा एकदम तबाही। बोलो, इसका दो वेरिएंट आता है, एक V4 आता है एंड V4S है, 1000cc नहीं 1100। तो भाई इसका पावर में कंपैरिजन भी कुछ भी नहीं, मतलब कोई बाइक में मेरे को नहीं लगता। सो आप लोग का क्या राय है Ducati को लेके भाई, आप लोग कमेंट्स में बताओ। एंड इस गाड़ी का फैन हो गया, एंड Ducati इज अ ब्रांड, मतलब ऐसा होता नहीं जैसे कि अलग ही लेवल का एक फील है भाई। तो गाइस प्राइस देखो अराउंड 33 लाख रुपीज है,
एंड भाई ये जो V4S है भाई, देखा भाई डुकाटी कितना अच्छा लगा। जब 33 लाख रुपीज लोग बोलते हैं ना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, मेरे को भी बहुत ज्यादा सुन के लग रहा है। लेकिन जब उस सेगमेंट के लोग बाइक चलाते हैं ना भाई, तो उन लोग के लिए सामने ना भाई वो पैसा बहुत कम लगता है। ये मेरा आपका बात नहीं कर रहा भाई, ये लोगों का बात कर रहा, जो लोग को ऊपर वाले लोग ने पैसा दिया है। तो अगर आप लोग भी इन फ्यूचर अगर प्लान कर रहे हो ये एक सुपर स्पोर्ट्स अच्छा डुकाटी ऐसा बाइक लेने का, तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ इट। ये सोच के खराब लग रहा है कि फ्यूचर में ये मजा नहीं आएगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक बाइक चाहे कितना भी अच्छा हो जाए यार, ये मजा, ये थ्रिल, ये कभी नहीं देखने मिलेगा। क्या जॉयस बाइक पॉइंट के बाहर पुलिस का गाड़ी, ये भाई जॉयस बाइक में पुलिस आ गया आज, जॉयस बाइक और सील होगा सब ठीक है। तो ये पुलिस वुलिस यहाँ पे क्या जलवा है हमारा, ये भी हम लोग का जलवा है। आज मैं मतलब पूरा बाइक को रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग सब ना इन फ्यूचर में एक सुपर बाइक खरीदना चाहते हो, ऐसा कुछ बाइक सब। तो बाइक भाई टेनर से लेके बीएम से लेके डुकाटी से लेके सारा कुछ भूसा वूसा सब है। ये सब गाड़ी के बारे में, इतना सुंदर सुंदर गाड़ी, वाह वाह। दो ही विधा था, फुली लोडेड है, आपको कोई भी एक्सेसरीज लगाने का जरूरत नहीं है। 137 किलोमीटर चला है, मेरा मानना है बाकी सबका अलग अलग हो सकता है। ये जो न्यू शेप है अभी का जो रजिस्टर का शेप है, उस शेप में ये कलर में सबसे अच्छा लगता है। प्राइस है इसका 70,50,000। लेकिन नया कदम अगर आप विदाउट ये सब एक्सेसरीज लेते हो 18.5 लाख के अंदर आ जाता है। नहीं, 1890 प्राइस है, और पीछे का सीट एंड फुट पैक लीजिएगा तो 1950 के आसपास प्राइस है। नेक्स्ट BMW S1000 RR प्रो एडिशन, ओके, हनीकैम ग्रे कलर में है ये। ये 2022 की गाड़ी है, अच्छा 5,400 किलोमीटर चला हुआ है, स्टॉक कंडीशन में है बाइक, सिंगल ओनर है। ये बाइक का आस्किंग प्राइस है 21,50,000। ओके, ये कलर भी आपका बहुत लिमिटेड है, और सब गाड़ी WB नंबर, सारा बाइक जब WB नंबर है तो फिर आप फाइनेंस क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? हम लोग जैसे गरीब आदमी लोग कैसे गाड़ी खरीदेंगे ये आप सोचिए खाली। कैश में कुछ थोड़ी है, हम लोग पास ब्लैक मनी है कि हम लोग गाड़ी खरीद पाएंगे इतना पैसा का। अब थोड़ा EMI वगैरह शुरू करवाइए एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम लोग भी ले पाए। मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि EMI का बहुत ज्यादा इंक्वायरी है, और मैं चाहता हूँ EMI जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए, मगर कुछ पेपर वर्क का प्रॉब्लम के चलते अभी तक नहीं हो पाया है। एज अर्ली एज पॉसिबल मैं कोशिश करता हूँ स्टार्ट करने का। ओके, 2017 December की गाड़ी है, और सिर्फ 7,100 किलोमीटर चला हुआ है। रेट का 17 लाख रुपीज। जैसे डुकाटी को जो समझता है वो लेता है, इस गाड़ी को जो समझता है गाड़ी ये गाड़ी सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं। ये गाड़ी जो ऑलरेडी एक सुपर बाइक में एक्सपीरियंस्ड है, और ये गाड़ी को चलाने के लिए उतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और ये गाड़ी रखने के लिए भी आपका उतना वो ऐसा सोच होना चाहिए ट्रैक स्पेक बाइक लेने के लिए, उनके लिए बाइक। ये HP4 का मतलब है हाई परफॉर्मेंस इनलाइन को, आपको स्किल्स होना चाहिए तभी आप ये गाड़ी ले सकते हो। ये गाड़ी आपको पहचान देगा अलग से। सारा इंडिया में दो ही पीस है, वर्ल्ड में लिमिटेड 5,000 पीस है। इसका ऑन रिक्वेस्ट है, ओके, जो सीरियस बायर है उनके लिए प्राइस ओपन होता है। हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि भाई 18.5 लाख से 19 लाख में मेरे को टेनर आ रहा है, 26 लाख रुपया लग रहा है BMW का। मैं इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि मेरे को लगता है BMW ओवर प्राइस्ड है, आपने ये बोल रहे ये आप एक टेनर लेते हो, पीछे का सीट और फुट पे का लगाते हो, तो गाड़ी का प्राइस ऑन रोड आ जाता है 19.5 के आसपास। ओके, और एक स्टैंडर्ड BMW अगर लेते हो, जो जितना उसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है काफी है रजिस्टर से कंपटीशन करने के लिए, वो आता है अराउंड 24 लाख। ओके, तो मेरा हिसाब से आपका 3.5 लाख का डिफरेंस हो रहा है। अगर 3.5 लाख डिफरेंस में ना आप बहुत ज्यादा एक प्रीमियम क्वालिटी बाइक ले रहे हो, मतलब आप बी एम को अपना प्राइस में ओके है, मगर अभी JDStenar का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि ये गाड़ी इससे पहले मॉडल का भी ना प्राइस अराउंड 16.5 का था, अभी 19.5 3 लाख में बढ़ गया है। मगर S1000 आपका स्टैंडर्ड पहले आपका जब इस शेप में था तब अराउंड 22 लाख की आता था, अच्छा, फिर और 25 लाख की प्रो आता था, उसके बाद जो नया मॉडल आया 23 लाख की आता था, और प्रो आता था अराउंड 25 समथिंग की, अभी फिर 26, मतलब एक एक जनरेशन चेंज हुआ है, प्राइस आपको बहुत ज्यादा हाइक नहीं हुआ है, मतलब टेरा का बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हो गया है, मतलब गैप बहुत कम हो गया है। जैसे
मेरा हिसाब से 3.5 लाख का डिफरेंस इज नॉट ऐसा उतना भी ह्यूज नहीं है। मतलब अभी भी आप बोलना चाह रहे हो कि ये जो टेनर है भाई, ये आपको लग रहा है आपके हिसाब से ओवर प्राइस है? अभी टेनर ओवर प्राइस है। ओवर प्राइस है, मतलब 16.5 लाख से 17 लाख के बीच में से दाम होना चाहिए। इतना प्राइस हाइक नहीं किया है। तो ये आपको 26 लाख का बाइक आपको एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है? 26 लाख की प्रो है। प्रो है, प्रो में आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉकर मिल रहा है। अच्छा अच्छा, आप स्टैंडर्ड के साथ ही है? हाँ, अच्छा अच्छा, स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड तो 24 लाख की आता है, और स्टैंडर्ड में जितना फीचर्स है टेनर में उतना ही फीचर्स है। हाँ, सब कोई टेनर इतना हाइक में क्यों आया है? प्राइस के लिए, प्राइस के बाद अभी टेनर इंक्रीज करते जा रहा है, प्राइस इंक्रीज करते जा रहा है, और बीएमडब्ल्यू के साथ प्राइस का गैप बहुत कम आ जा रहा है। बीएमडब्ल्यू के साथ कंपटीशन में था डुगाटी। अच्छा, और डुगाटी का प्राइस बहुत ज्यादा भाग गया। 18-19 लाख, यहाँ 26 लाख। और आप लोग बताओ भाई, आप लोग कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक लग रहा है यहाँ पे? जोयदा ने बोला कि बीएम ज्यादा प्रैक्टिकल है, टेनर ओवर प्राइस हो गया है, 16-16.5 लाख दाम होना चाहिए, और डुकाटी तो उसका मतलब अभी गिनती में ही नहीं ले रहे। 12.5, वो तो आप 12 में दे दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड बाद बाकी क्वेरीज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर मिल जाएगा, और आप लोग जॉयस बाइक पॉइंट का पेज को भी फॉलो कर सकते हो, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, सब कुछ। मेरा तो जो सोच है मैं बताया, आपका सोच इससे मैच भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो आपको क्या फील होता है। मेरे को भी इन दोनों में से अगर मतलब कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्ट्रेट टोल प्लाजा में हो रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव का चेकिंग हो रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव का चेकिंग।